आज का जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स अप ओवर हियर व्हिच वी हैव टू गोइंग टू कवर डिवाइड एंड कॉन्कर उसके एप्लीकेशंस मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट. तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक रूल्स देख लें. तो बेसिकली हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर का आइडिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूट अ लार्जर प्रॉब्लम्स इनटू मेनी स्मॉल सिमिलर प्रॉब्लम्स, सॉल्व एवरी स्मॉलर प्रॉब्लम रिकर्सिवली, कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ स्मॉलर सॉल्यूशंस टू फॉर्म एन ओवरऑल सॉल्यूशन. अब इसकी जो यूजेस है हम लोग यूज करते हैं n बाई टू साइज ईच, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए. और कॉन्सिक्वेंस हम लोग यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए बिग ऑफ एन स्क्वायर टू बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन. तो हम लोग इसकी एप्लीकेशन के लिए यूज किया करते हैं मर्ज सॉर्ट और डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज एप्लीकेबल इन अ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ सिंपल एंड एफिशिएंट सॉर्टिंग प्रोसीजर कॉल्ड द मर्ज सॉर्ट. फिर इसके इनपुट्स आउटपुट्स और मेथड्स, तो हम लोग तीनों को यूज करने लगे हैं. तो हम लोग सबसे पहले इसके एल्गोरिदम देखेंगे मर्ज सॉर्ट का. तो दिस इज द एल्गोरिदम, बेसिक एल्गोरिदम. उसके बाद हम लोग जो सेकंड पोर्शन हम लोगों ने जिसको अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर हमारे पास हम अरे पी एन आर मर्ज सॉर्ट के अंदर इसके एल्गोरिदम के अंदर किस तरीके से इसका काम करता है. फिर तीसरी जो चीज हम लोग देखना है एवरी फंक्शन फर्दर कॉल स्प्लिट्स अरे इनटू फर्दर टू हाफ्स विद अवेलेबल इंडेक्सेस until p is not less than r. So ye meri ek shart hai. At this point a merge calls with made the merge two halves into a sorted chunks. So ye basically is tarike se isko define kiya gaya kis tarike se aap isko merge sort kar sakte hain into small chunks ke andar. To aapke paas is tarah hi merge sort ke andar aapke paas aap fir wahi iska algorithm hai. आप इसको यूज किया मर्ज सॉर्ट को, तकसीम किया भाई दो के अंदर, फिर तकसीम करने के बाद दो के अंदर, फिर किस तरीके से उसको आपने स्प्लिट किया इन द चंक्स. तो ये बेसिकली आपके पास मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल्स दी हुई है. उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास एवरी मर्ज कॉल रिसीव्स थ्री पैरामीटर्स एक्सेप्ट द डेटा अरे पी क्यू एन आर वैल्यू between indices p q and r plus or q plus 1 to r are sorted independently of each other. Once we have two sorted subarrays merging part is easier. ab maslan ye mere paas merge sort ke aapke paas algorithm hai, theek hai, to aapke andar ye aapke paas procedure hai, uske baad aapke paas while ki loops lagi hui hai, multiple while ki loops hai, to uske andar uski merge sort ko kiya hua apply, to hamare paas same method hum log use kar sakte ho using this algorithm on this sorting algorithm splitting that. So this is merging. So we are going from down towards up. पहले ऊपर आ रहे थे स्प्लिट हो रहा था, पहले ऊपर से हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, पहले आप मर्ज कर रहे हो, आप नीचे से ऊपर की तरफ पूरी कर रहे हो, डिफाइन कैसे कर रहे हो आप. फिर उसके बाद मर्ज सॉर्ट एनालिसिस के अंदर आप लोग यूज करते हैं इस एनालिसिस के अंदर व्हेन एनालाइज मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर बिलो. फर्स्ट लेट अस कंसीडर द रनिंग टाइम ऑफ द प्रोसीजर मर्ज ए पी क्यू आर. Let n equals to your formula n r minus p plus 1 denote the total length of both left and right subarrays. तो उसके बाद हमारे पास इसके आप यूज कर मर्ज सॉर्ट के अंदर, तो आप लोग दोनों को जमा कर दिया प्लस f ऑफ n, आप लोग कहते 2 t n by 2 plus theta of n. तो ये बेसिकली उसका मर्ज सॉर्ट का एनालिटिकली फॉर्मेट में एल्गोरिथम के आप समझ सकते हैं. तो आपके पास अगर क्या है रिकर्सन रिलेशंस में, तो आप उसको कह सकते हो सिंपल n into log of n plus 1. तो आपको पता है कि ये n, ये आपका n, ये आपका n, ये आपका n, सबको कर दें तो आएगा n log of n plus 1. So this is the levels over here. And log of n plus 1 are the levels. और उसके साथ total number of n है. तो आपको ये इसका analysis format में define किया हुआ है merge sort को recursion regression है. हम लोग merge sort के analysis को क्या apply करने के हम masters method. तो masters method में ये आपके पास a और b के format में ये आपके पास formula है, right? यहाँ पर a और b के आपने इसको use किया और उसका formula करने के बाद आप लोग उसका evaluate करने के बाद क्या theta of n to power log a to base b log of n equals to theta of n log n. तो ये इसका master method के through आपने इसको prove किया analysis को, ठीक है जी. उसके बाद क्विक सॉर्ट पे आ जाएं. द क्विकेस्ट एल्गोरिथम हैज अ वर्स्ट केस रनिंग ऑफ थीटा ऑफ एन स्क्वायर डिस्पाइट दिस स्लो वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्विकेस्ट इज ऑफन द बेस्ट प्रैक्टिकल चॉइस फॉर सॉर्टिंग रिमार्केबल एफिशिएंट ऑन द एवरेज एक्सपेक्टिंग रनिंग टाइम इज थीटा ऑफ एन लॉग एन एंड द कांस्टेंट फैक्टर्स हिडन इन द थीटा ऑफ एन लॉग एन नोटेशन आर क्वाइट स्मॉलर वर्क्स क्वाइट वेल इन वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट. तो हमारे पास इसको करने के लिए इसको तीन डिफरेंट स्टेप्स को इन्वॉल्व किया है डिवाइड कंकर एंड कंबाइन. तो इसके अंदर हमारे पास ये दिस इज द डिवाइड प्रोसीजर है, ठीक है. हम लोगों ने डिवाइड के अंदर ख्याल रखना है हमारे पास जो हम लोगों ने एक पिवट लेना है, पिवट के अंदर आपने देखना है कि लेस का
on the right, on the left side, or on the right side, आपने greatest का, तो मैंने अपने pivots के अंदर अपने use किया, उधर से concur किया हुआ है, ठीक है, दो sub arrays को, फिर उसके बाद आपने इसको finally combine करना है, तो आपके पास ये इसका algorithm है, तो p and r this is the array, तो ये उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है, if p is less than r then आपकी ये partition algorithm लगी हुई है, ठीक है, उसके quick sort हो रही है, ठीक है, उसके बाद end if के बाद end procedure आपने किया हुआ है, तो इसके अंदर सबसे पहले इस example को देखिए आप, हमारे पास दो colors के define हो रहे हैं इसमें, एक जो reddish format में है वो bigger than our pivot और smaller जो मेरे पास blue color में वो smaller than our pivots हैं, तो मेरे पास five और four को पहले सुने shortcut किया, तो basically four को हम इधर ले, five को इधर ले गए left में, ठीक है जी, अब four को हम लोगों ने one by one कर रहे हैं, seven और four, eight and two, फिर उसके मुताबिक उसकी sorting करते जा रहे हो, तो अब लोग at the end देखा जाए कि हमारे पास pivot के right side पे सारे left side पे सारे के सारे smaller हैं और उसके right side पे सारे के सारे biggest हैं, तो ये हमारे पास उसकी हम लोगों ने use किया हमारे quick sort के अंदर partition functions के साथ, तो यही partition function execution की हुई है इसके अंदर, तो आप इसको भी उसी method के through जिस तरीके से अभी आपने किया है उसी format में आप check कर सकते हैं using the recursion iteration format में, iteration आपके पास j equals to 1, j equals to 2, j equals to 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, फिर finally 7, 8, 9, क्योंकि आपके पास उसके last है और उसने भी यहाँ पर use किया हुआ कि जनाब मेरे पास indices 0 से लेकर 9 तक और ये final उसकी partitioning फंक्शन के एक्सेक्यूशन में उसको सॉल्व किया हुआ है, उसके एंड पे हमारे पास ये एक्सरसाइज है, ये आपने एक्सरसाइज उसको अटेम्प्ट करना है फ्रॉम जीरो से लेकर नाइन तक उसके यूजिंग दिस आपके पास एल्गोरिथम और ये मेरे पास अरे है, तो सेकंड एक्सरसाइज आपके पास ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, डज पार्टीशन रिटर्न्स व्हेन एंड ऑल एलिमेंट्स इन अरे अरे फ्रॉम पी टू आर हैव द सेम वैल्यू, तो इसके अगर सारी की सारी सेम वैल्यूज हों तब ये मेरे पास क्या आंसर आया, इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास आगे कहता है हाउ वुड यू मॉडिफाई क्विक सॉर्ट टू सॉर्ट इनटू नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है, तो ये आपको हमारी एक्सरसाइजेस हैं, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ पार्टीशन फंक्शन ऑन अ सब अरे ऑफ साइज ऑफ एन, मेरे पास थीटा ऑफ एन इक्वल्स टू और बिग ऑफ एन पर हम लोगों ने इसको यूजिंग दिस एल्गोरिथम उसको आपने टाइम एनालिसिस के तौर पे आप इसको क्विक सॉर्ट के थ्रू आपने फाइंड आउट करना है, और फिर हमारे पास एट द एंड हमारे पास रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट रूटीन में, तो हमारे पास ये इसका मेन फार्मूला है, तो आपने इसको फार्मूला को यूज करके आपने इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे काम करता है एल्गोरिथम, फिर हमारे पास वर्स्ट केस, दिस इज द वर्स्ट केस, हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर तो आपने इसको ट्रेन किया t of 1 equals 1 plus n, तो इसको n plus 1 कर दिया और n की जगह पर पहले आपने n minus 1 रखा, ठीक है, फिर आपने देखा फिर n की जगह पर n minus 2 रखा, फिर आपने देखा फिर फाइनली जो इक्वेशन बनती है मेरे पास वो big of n square है, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर है, तो हमारे पास इसके अगेंस्ट दिस इज वर्स्ट केस, तो मेरे पास बेस्ट केस के अंदर देखा जाए तो दिस इज थीटा n log of n, ठीक है, दिस इज माई बेस्ट केस, एंड माई एवरेज केस के अंदर कहते हैं बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन, तो ये मेरे पास एवरेज केस है, तो मेरे पास इसके अंदर आपका देखा जाए वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, तीनों केसेस इसमें इन्वॉल्व हैं इन माई क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स में, उसके बाद हमारे पास ये डिफाइंड है पार्टीशनल लूप्स इंटरवल्स में आपने तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये मेरे पास आपके पास एक्स और ये आपके पास पी टू आई, आई टू जे और जे टू आर, तो ये बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल आपने जो पीछे एक्सरसाइज की हुई तो उसके मुताबिक आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास इसी रीजन के अंदर आपने रीजन 1, 2, 3, 4 के थ्रू आप इस एग्जाम्पल्स को इजिली अंडरस्टैंड और सॉल्व कर सकते हैं, सो दिस इज दी बेसिकली हमारे पास पार्टीशन फंक्शन लूप इनवेरिएंट्स के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं और दिस इज द टॉपिक हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजिली, और आई होप ये टॉपिक आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज लेट मी नो।